नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को किस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज तथा डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं तथा स्टैंडर्ड डिविएशन की क्या मेरिट्स होती है, क्या डीमेरिट्स होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो ये देखिए आप, समेशन इक्वल टू समेशन सिग्मा इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू आई। ये बिल्कुल वही मेथड है जो हमने पिछला क्लास में डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमने जो क्लास इंटरवल से हमने जो विचलन को डिवाइड किया था और फिर उसके बाद में ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर उस जो क्लास इंटरवल है उसको वापस मल्टीप्लाई किया था, इसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में भी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है आपका, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई क्या है आपका, क्लास इंटरवल है, कॉमन क्लास इंटरवल, यानी जो सभी क्लासेस में जो इंटरवल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन क्लास इंटरवल, और वो है आपका आई। ए क्या है इसमें, अज्यूम्ड मीन है जो कि हमने कल्पित माध्य माना है। एफ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अब ये डाटा दिया हुआ अपने को जो कंटिन्यूस सीरीज वाला डाटा है, इसमें आई क्यू दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए 5, 12, 15, 20, 10, 4, 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका टोटल करेंगे, ये आ गया आपका समेशन एफ, ठीक है, यानी कितना आ गया ये 68। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल है इससे क्या करेंगे, हम इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 20 यानी 30, 10 प्लस 20 30 हो गया, 30 में को 2 से डिवाइड कर दिया 15 आ गया, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, और उसको 2 से अपन भाग देंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगा यानी मध्य मान आ जाएगा। तो 10 प्लस 20 बटा हुआ 2 यानी 15 आ गया, 20 प्लस 30 बटा हुआ 2 यानी 50 बटा हुआ 2 यानी 25 आ गया, इसी प्रकार से 30 प्लस 40 यानी 70 डिवाइडेड बाय 2 यानी 35 आ गया, ठीक है, और 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी 45 आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इनका मध्य वैल्यू निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक माध्य आपने विचरण निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले एक अज्यूम्ड मीन ले लिया 45 ले लिया ये बीच का, और डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। आई क्या आपका, इनके बीच का क्लास इंटरवल। तो यानी हमने क्या किया, 15 में से 45 को घटाया यानी 30 आ गया, और 30 को 10 से डिवाइड कर दिया यानी माइनस के 3 आ गए, इसी प्रकार से 25 के अंदर से 45 घटाया 20 आ गया, 20 को 10 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया, इसी प्रकार से 35 में से 45 घटाया माइनस के 10 आ गए, और यहाँ पे माइनस को 10 को 10 से डिवाइड किया तो माइनस का 1 आ गया। तो इसलिए हमारे पास में आपका क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है, यहाँ पे +1 +2 +3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डी को इस एफ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये एफ डी आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एफ डी डी के स्क्वायर किया यानी 3 3 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 45 आ गया। डी के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डी का स्क्वायर 2 × 2 यानी 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, फिर 1:1 यानी +1 हो गया, और 15 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। तो इस प्रकार से एफ डी स्क्वायर का हमने क्या किया, समेशन निकाल दिया, 152 आ गया। अब इस फॉर्मूले में हमने मान रख दिया, और मान रख करके उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है, और हमने आई से डिवाइड किया था, आई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में आकर के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज में निकाल सकते हैं। अब मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, वेरी पॉपुलर साइंटिफिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन वी कैन कैलकुलेट स्क्वीनेस एंड कोरिलेशन एटसेट्रा, इट कंसिडर्स ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज,
द स्क्वायरिंग ऑफ डिवीजन मेक देम पॉजिटिव एंड द डिफिकल्टी अबाउट एल्जेब्रिक साइन विच वॉज एक्सप्रेस इन केस ऑफ मीन डिवीजन इज नॉट फाउंड हियर. डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इट्स कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट नॉट एज इजियर एज रेंज एंड क्यू डी इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम आइटम्स गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस. The formula of standard deviation is summation d square upon n. Calculate the standard deviation of the following series. ये बड़ा मुश्किल हो सकती है इससे कैलकुलेट करने की सीरीज. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविजन के यूजेस क्या होंगे. इट इज वाइडली यूज इन बायोलॉजिकल स्टडीज. इट इज यूज इन फिटिंग ए नॉर्मल कर्व टू ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज मोस्ट वाइडली यूज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन. तो आज हमने स्टैंडर्ड डिवीजन खत्म किया, बाकी का हम आगे की क्लास में लेंगे. धन्यवाद.